अकल आ गया होगा। एमजी कॉस का टॉपलिंग रोकने के लिए शिफ्ट करेगा तो पहले तो ये सवाल बनता है, बताओ साहब फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो लगवाइए एंटी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का जो टॉर्क जो एमजी सेंटर एंटी मैग्नीट्यूड कितना, वही है फोर्स का एमजी सेंटर और सेंटर से डिस्टेंस एच वाई, एमजी सेंटर एच वाई, अकल आ गया होगा लोगों को, एमजी सेंटर एच वाई जो फ्रिक्शन का टॉर्क है तो mg sin h by 2 और डायरेक्शन मिल गई एंटी, और उसको रोकने के लिए नॉर्मल जो है mg cos theta तो नीचे शिफ्ट करेगा ऊपर शिफ्ट करेगा, नीचे शिफ्ट करेगा ताकि जो है तो क्या हुआ हमारा जो टॉर्क हो mg cos theta का क्लॉकवाइज डेवलप हो, mg cos theta का टॉर्क इधर डेवलप होना चाहिए, mg cos theta डाउन में शिफ्ट करेगा और मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है mg cos theta a by 2 सेंटर से जो आप पोटेंशियल डालेंगे a by 2 mg cos theta into a by 2 mg cos theta into mg cos theta a by 2 जो नॉर्मल का टॉर्क है मैक्सिमम टॉर्क mg cos theta into a by 2 और जो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है mg sin theta into h by 2 mg sin theta into h by 2 और नॉट टॉपल और टॉपल के लिए कंडीशन दे दोगे नॉर्मल शिफ्ट हो गया mg cos theta mg into a by 2 mg cos theta into a by 2 नो टॉपलिंग के लिए, नो टॉपलिंग के लिए mg cos theta into a by 2 mg cos theta into a by 2 mg cos theta into a by 2 ज्यादा होना चाहिए और mg तो sin theta into h by 2 mg sin theta into h by 2 that will be less कहानी क्लियर हो गई, कैंसिल कैंसिल कर दोगे एम जी और टू टू कैंसिल कर लोगे टेन टेन को कितना आ गया एच वाई एच और ए वाई एच टेन टेन को ए वाई, जिस तरीके से क्या आया था एंगल ऑफ रिपोज थीटा के वैल्यू टेन इनवर्स में हो उस एंगल पे स्टार्टिंग होती थी स्लैप स्लाइडिंग की आजादा के लिए तो स्लाइडिंग करता था रिपोज एंगल इज द एंगल एट विच स्लाइडिंग स्टार्ट और मोर एंगल के लिए क्या था हमारा तो स्लाइड करता रहता था, बस ये कौन सा था स्टैंडर्ड एंगल टॉपलिंग जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका साइड लेंथ दिया हुआ है, ये साइड लेंथ इतना तो अगर क्यूब होगा तो ए और ए हो गया, क्या हो गया अगर क्यूब का ऑब्जेक्ट बोलेगा तो ए और ए हो गया, ए और ए रखोगे टेन टेबल कितनी आ जाएगी तो वन थीटा कितना जाएगा तो क्यूब का ऑब्जेक्ट के लिए टॉपलिंग एंगल कितना हो गया हमारा 45 डिग्री, अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना हो 45 से कम हो तो टॉपलिंग और 45 से ज्यादा हो तो कंडीशन समझ में आ गया होगा थीटा इक्वल टेन इनवर्स ए वाई एच इज द टॉपलिंग एंगल का स्टैंडर्ड नाम है रिपोज एंगल, जिस तरह थीटा इक्वल टेन इनवर्स में होता है वैसे क्या होता है हमारा तो टेन इनवर्स ए वाई एच टॉपलिंग एंगल होता है टेन इनवर्स ए वाई एच अगर आगे हो लोगों को टेन थीटा इक्वल ए वाई एच टॉपलिंग एंगल, बाकी दूसरा तो क्या हमारे पास टॉपलिंग एंगल ए वाई एच ए